और बुक के अंदर अगर मोड़ का पंक्तु डाल देगा तो पास हो जाएगा साले झूठे माँ कसम बता पर्सनल एक्सपीरियंस है। अच्छा ये 75% अटेंडेंस वाली जो मैंने बात कही हूँ मैं उस पर आखिरी पे आऊँगा। अभी मैं कंपैरिजन शुरू करता हूँ हमारी कंट्री का और दूसरी कंट्री से। तो दूसरी कंट्री में पाकिस्तान नहीं आता पहले बता दिया। तो सबसे पहले इंडियन मीडिया की बात शुरू करता हूँ इंटरनेशनल मीडिया के कंपैरिजन में। आप इंटरनेशनल मीडिया को देखो कि प्यारी सी लड़की बैठी रहेगी यहाँ पे, ठीक है? ओ वैसे बैठी है भाई, थोड़ा चीयर करो यार। ओ ऐसे 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 बैठी हुई है और न्यूज़ एकदम नॉर्मली पड़ेगी। गुड मॉर्निंग मनोहर, इंजीनियर जॉली पायलट डाइवोर्स टू ब्रैड पिट, न्यूज़ ओवर। हमारे इंडिया में आके देखो कटरीना और रणवीर के बीच में आई दरार। MDH, MDH, दुनिया, बुक स्पॉन्सर्ड बाय
कोई वो नहीं है। जैसे स्टार अपना महुआ चैनल भी खोल दिया कि महुआ चैनल अपना अवार्ड देगा, कलर्स टीवी अपना, इसलिए ये लोग नाम जानते नहीं। लेकिन ये नाम विकिपीडिया पे चेक करोगे तो ट्विटर में इसके 1500 फॉलोअर्स हैं। फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं 75% अटेंडेंस पे आऊंगा, तो मान लो कि अगर मोदी जी हमारे कॉलेज में आए होते और उन्होंने हमसे पूछा होता कि सबसे ज्यादा दिक्कत आप लोगों को किस चीज से होती है, तो उसी और वो फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो कैसे करते? मित्रों, मैं कल गया SIES कॉलेज में, मैंने उनसे पूछा कि आपको सबसे ज्यादा दिक्कत किस चीज में होती है। उन्होंने कहा 75% अटेंडेंस में। मित्रों, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, 75% अटेंडेंस होना चाहिए क्या? 75% अटेंडेंस होना चाहिए क्या? 9% होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 9% होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं भी तो वही कहता हूँ मित्रों, 10% होना चाहिए। ये 10% वाली, इसलिए आज मैं नरेंद्र मोदी यहाँ से घोषणा करता हूँ कि रात 12 बजे से आपकी जो अटेंडेंस रजिस्टर होगी वो मात्र एक कागज का टुकड़ा रह जाएगी। मित्रों, भाई इतना कुछ बोल दिया मोदी जी ने और अपने केजरीवाल जी चुप, ऐसा हो सकता है क्या? जी यही तो स्कैम है जी, यही तो प्लान जी। वो जी कल गया था जी, मैं भी ऐसे इस कॉलेज गया था, उन्होंने तो कुछ नहीं बोला जी। एक मीडिया पर्सन खड़ा होकर बोलता है नहीं नहीं सर, एक्चुअली वीडियो सामने है। अरे यही तो स्कैम है, यही तो स्कैम है जी, इसकी CBI जांच मैं खुद करवाऊंगा। अरे भाई केजरीवाल जी कुछ भी बोल देते हैं। अच्छा यहाँ केजरीवाल जी की बात खत्म हो गई, अब आ गए हमारे राहुल गांधी जी। मोदी जी कहते हैं 75% अटेंडेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैं उनसे पूछता हूँ, आपने 70% क्यों नहीं रखा? क्या क्वेश्चन क्या भाई? अगला फेम इन्हीं को होना चाहिए, 2019 में इन्हीं को जीता। अच्छा अब हमारे लालू प्रसाद जी बिहार के, मतलब तो नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं कि 75% अटेंडेंस को हटा देंगे, हम उनसे पूछता हूँ कैसे हटाइएगा? राजनीति। अच्छा फ्रेंड, जाते जाते मैं एक शायरी सुनाना चाहूंगा, भोजपुरी शायरी है, आपको पसंद आएगा गारंटी है। एक लड़के ने एक लड़की को शायरी सुनाया था, बट वो लड़की भाग गई थी एक्चुअली। वो शायरी ऐसा है, ताजमहल कौन चीज बा हम इससे बड़ा इमारत बनवा दें, ताजमहल कौन चीज बा हम इससे बड़ा इमारत बनवा दें, मुमताज तुम मर के दफन भर भई, हम तो किसी जिंदा ही गाड़ दें। थैंक यू।